सोमवार को दरभंगा में हुए बारिश से कई चौक चौराहों और सड़क जल जमाव में हुआ तब्दील। जन उपयोगी और अति महत्वपूर्ण योजना जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर हुई समीक्षा बैठक। केवटी थाना की पुलिस और डायल 112 की टीम पर किया गया हमला। दरभंगा स्टेशन पर महिला से 1.5 तोला का सोना का चैन लेकर स्नेचर हुआ फरार, एमएसयू ने जीआरपी थाना को सौंपा ज्ञापन। विश्व साक्षरता दिवस पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। दरभंगा के टाउन हॉल में नगर आयुक्त कुमार गौरव के तबादले होने पर किया गया विदाई समारोह का आयोजन। भवानीपुर पंचायत के भवानीपुर गांव में दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रांगण में जन सुराज बिरौल प्रखंड कार्य समिति की बैठक हुई आयोजित। डॉक्टर के बलात्कार के बाद निर्मम हत्या के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए निकाला गया विशाल जुलूस। सोमवार को आधा दिन गुजरने के बाद देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और थोड़ी देर की हुई रिमझिम बारिश ने दरभंगा शहर के कई प्रमुख सड़कों और चौक चौराहों को जल जमाव में तब्दील कर दिया, जिस कारण जल जमाव वाली सड़कों से लोगों का गुजरना काफी मुश्किल हो रहा था। वहीं हुए जल जमाव के कारण लोगों ने कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार दरभंगा नगर निगम को ठहराया। कई जगह पर लोगों ने कहा कि सड़क नीचा हो जाने के कारण जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। धोबी माला है, नगर नियम रखे सफाई नहीं होता, जमा होता है क्या कहता है? वार्ड नंबर कितना है? सफाई क्या करिए बताओ। रह गया ये दावे भट्टी चौक है सर। सर यहाँ पर बराबर पानी का समस्या रहता है, जल जमा हो जाता है। ये बारिश का पानी है, यानी करीब 3-4 साल से है, ज्यादा तरह से है। तो मानव का हर आदमी पूछता है कि पानी आने के बाद कितना धर्म होता है। संसार तो इस बात की होती है, जब महिला जाती है तो कपड़ा उठा के जाती है। हो सकता है यहाँ की जनता को अच्छा लगता है क्या? ये दरभंगा नगर निगम जो है सो सफाई तो खैर दे रही है, लेकिन पानी की समस्या बनी हुई है। जो नाला जो है, नाला बराबर साफ नहीं होने के कारण है। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त दरभंगा चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत निर्धारित 11 अवयवों पर किए जा रहे कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने, नए जल स्रोतों का निर्माण, आहार पैन का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार, चापाकल एवं कुआं के समीप सोखता का निर्माण, चेक डैम छत वर्षा जल का संचयन का निर्माण, पौधारोपण, कन सिंचाई और ऊर्जा एवं जैविक खेती की समीक्षा की गई। खिरमा पथरा गांव में सूचना मिलते ही घटना की जांच के लिए पहुंची पुलिस पर आरोपितों ने हमला बोल दिया तथा गाली गलौच एवं धक्का मुक्की कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया। इस संबंध में पुलिस अवर निरीक्षक सुरेंद्र प्रसाद चौधरी ने खिरमा पथरा गांव निवासी सोगारथ यादव, अजय कुमार यादव, प्रमोद यादव, भरत यादव, रंजीत यादव, शिव कुमार यादव आदि के खिलाफ केवटी थाना में FIR दर्ज किया गया। इस दौरान पुलिस ने उक्त जगह से सोगारथ यादव एवं विजय यादव को नशे की हालत में थाना लाकर ब्रेथ इनहेलाइजर मशीन से जांच कराने पर नशे में होने की पुष्टि की गई, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में भेज दिया गया। सोमवार की सुबह 3 बजे के करीब दरभंगा स्टेशन से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन हम सफर एक्सप्रेस पर कुमकुम देवी, जिनकी उम्र 38 साल है, जो ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म संख्या 3 से जा रही थी, ट्रेन के बोगी नंबर B2 के गेट पर जब खड़ी थी तो अचानक 3 अधेर उम्र का लड़का सामने से आते हुए कुमकुम देवी के गले से 1.5 तोला का सोने का चैन खींचकर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कूदकर आसानी से फरार हो गया, जिसके बाद MSU के अमन सक्सेना, वीरेंद्र कुमार, अर्जुन दास, अंकिता आजाद और कन्हैया कुमार
कुमार के नेतृत्व में जीआरपी इंस्पेक्टर अभय कुमार को आवेदन सौंप कार्रवाई की मांग की गई। वहीं एमएसयू के छात्र नेताओं ने कहा कि अगर चार दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो एमएसयू आंदोलन करेगा। आज सुबह में जब अपने घर से अपने बहन को अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन में हम सफर में छोड़ने के लिए आए थे, उसी टाइम पे जब स्टेशन पे ट्रेन रुकी थी उस टाइम में मेरी बहन ट्रेन पे चढ़ी है और तीन अधेड़ उनका लड़का आके उनके गले से चेन छीन के भागने का काम किया है। जब हम यहाँ पे रेलवे प्रशासन के पास गए हैं तो एक भी फोर्स कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं था, खाली दो गार्ड थे एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, उसके अलावा कोई कहीं पे भी गार्ड नहीं मिला। हम यही चाहते हैं जो हमारी बहन का जो चेन छीन के लिया गया प्रशासन द्वारा मुहैया कराया जाए, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है जो हम इस पे कानूनी कार्रवाई करके अपना पकड़ने का काम करेंगे। कन्हैया कुमार झा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, जिला उपाध्यक्ष मिथिला। विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर डीआरडीए सभागार में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अशिक्षित बच्चों को साक्षर बनाने के लिए सरकार के द्वारा सार्थक प्रयासों के बारे में विस्तार से कार्यशाला में जिला पदाधिकारी एवं आईसीडीएस के डीपीओ डॉक्टर ललिता कुमारी के द्वारा जानकारी दी गई। वहीं सरकार के द्वारा सभी व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए एक मुहिम चलाया गया है, दुनिया में हर व्यक्ति साक्षर बने क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है। आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षर दिवस मनाने की शुरुआत साल 1966 में हुई थी, जिसको लेकर बता दें कि अभी के समय में इंसानों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है साक्षरता को बढ़ावा मिले, अभी भी कुछ लोग साक्षर नहीं है उन तक हम लोग पहुँचे और उनको साक्षर बनाए। इसके लिए क्या सब प्रयास की जा रही है? यहाँ हम लोग आज कार्यक्रम कराया जाना था, कुछ विकलता करवाई जाने की बच्चों के बीच वो कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ बताया गया जहाँ भी आप जाए जो भी निकलकर आपको दिखे उन लोगों को मतलब जागरूक करते हुए आपको साक्षर बनाए। न्यूनतम साक्षरता तो आनी ही चाहिए, क्योंकि साक्षरता का तो व्यापक अर्थ है, लेकिन न्यूनतम साक्षरता जो साक्षर कर रहे हैं थोड़ा पढ़ने लिखने और अपना हिसाब किताब जो घरेलू काम है हिसाब करने का। सोमवार की देर शाम दरभंगा के टाउन हॉल में नगर आयुक्त कुमार गौरव का तबादला अरवल जिला में डीएम के पद पर किया गया। इसके बाद नगर निगम प्रशासन के द्वारा उनके विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विदाई समारोह कार्यक्रम में महापौर अंजुमन आरा, नगर विधायक संजय सरावगी, सभी वार्डो के वार्ड पार्षद एवं नगर निगम के अधिकारी पदाधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने नगर आयुक्त के कार्यकलापों की प्रशंसा की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। नगर आयुक्त महोदय कुमार गौरव की, उप नगर आयुक्त, सभी वार्ड पार्षद, सभी अधिकारी और सभी पदाधिकारी कर्मचारी, सभी लोग का मैं विदाई समारोह में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही कुमार गौरव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उनको डीएम का पद मिला है, जैसे वो नगर निगम में हम लोग के साथ मिलाकर हम लोग का सारा काम किया करते थे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे इन्होंने मायूस किया होगा, वो अपने हिसाब से हम लोग की मदद। पिरौल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर पंचायत के भवानीपुर गांव में दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रांगण में जन सुराज पिरौल प्रखंड कार्यवाहक समिति की बैठक प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत जिला और प्रखंड कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। इस बैठक में जिला से आए हुए सभी अतिथिगण को मिथिला परंपरा के अनुसार प्रखंड कमेटी द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। उसके बाद जन सुराज की गीत इतनी शक्ति हमें देना मन का विश्वास कमजोर होना के साथ की गई। मंच संचालन जिला अभियान समिति सदस्य कुंदन झा ने किया। वहीं बैठक में 251 सदस्य बिरौल प्रखंड कमेटी की घोषणा प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र यादव के साथ जिला अध्यक्ष बिल्टू सोनी और जिला के पदाधिकारी के द्वारा घोषित की गई। साल है कि उस राह पर चल करके हम देश को आगे क्यों बढ़ाएंगे जो महात्मा गांधी ने अकेले चल करके आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अकेले निकले थे और उनके पीछे जो देश से मोहब्बत करने वाले लोग थे, जो समाज से मोहब्बत करने वाले लोग थे, वो अपने अपने घरों से निकल करके
दरभंगा के प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों के सोसाइटी के सदस्य के द्वारा आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार के बाद निर्मम हत्या के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए एक विशाल जुलूस निकाला गया। जैसा कि आपको बता दें कि ठीक एक माह पूर्व अगस्त के 9 तारीख को इस दुखद घटना के बाद से ही पूरे देश में रोष का माहौल है और अभी तक दोषी के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने से चिकित्सा समुदाय मर्माहत है। बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कई तरह के वादे किए पर जमीन पर उसकी हकीकत नजर नहीं आ रही।